हाय हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, मैं शुभांगी फिर से एक बार आपके सामने लेकर आई हूँ आज की 10 बड़ी बॉलीवुड हेडलाइंस। तो आइए शुरू करते हैं आपके लिए आज का काउंटडाउन। नंबर 1, इंडस्ट्री के एक और प्रोडक्शन हाउस की तरह यशराज फिल्म्स भी वेब सीरीज के प्रोडक्शन में कदम रख चुका है। उनकी पहली वेब सीरीज भोपाल गैस कांड पर बेस्ड है, उसका टाइटल द रेलवे मैन है। इस सीरीज में आर्माधवन और इरफान के बेटे बाबिल लीड एक्टर हैं। उनके साथ साथ के मेनन और दिवेंदु शर्मा भी इसमें नजर आएंगे। 2 दिसंबर की रात हुए भोपाल गैस कांड में मृतकों का आंकड़ा 5,000 था, जिसमें बहुत से लोग ऐसे भी थे जिनकी जानें बचाई गई थी। द रेलवे मैन की शूटिंग 8 दिसंबर से शुरू हो चुकी है। नंबर 2, आमिर खान और किरण राव के सेपरेशन की खबर ने सबको हैरान कर दिया था, लेकिन सेपरेशन के बाद दोनों ने बेटे आजाद का 10वां बर्थडे साथ सेलिब्रेट करा। इस मौके पर उनके साथ शोभा डे भी मौजूद थी और इस बर्थडे पार्टी की फोटो को शोभा डे ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया। फोटोज में आमिर बेटे आजाद के साथ क्वालिटी टाइम बिताते दिख रहे हैं। नंबर 3, एक्टर सुनील शेट्टी के बेटे आनंद शेट्टी और तारा सुतारिया की अपकमिंग फिल्म तड़प 3 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है। रिलीज से 2 दिन पहले बुधवार यानी 1 दिसंबर को मुंबई में तड़प का ग्रैंड प्रीमियर हुआ। इस फिल्म से आनंद शेट्टी बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं। फिल्म के ग्रैंड प्रीमियर के मौके पर बॉलीवुड के कई स्टार्स भी पहुंचे थे। वहीं आनंद की बहन आतिया शेट्टी के साथ उनके बॉयफ्रेंड क्रिकेट केएल राहुल भी फिल्म के ग्रैंड प्रीमियर के दौरान वहां मौजूद रहे। आतिया ने राहुल का हाथ थामे प्रीमियर में एंट्री की थी। नंबर 4, कटरीना कैफ को बॉलीवुड में स्थापित करने वाले सलमान खान उनकी शादी में नहीं आएंगे, ये खबर सलमान की बहन अर्पिता ने कंफर्म की है। अर्पिता ने एक इंटरव्यू में कहा है कि कटरीना ने खान फैमिली को शादी में न्योता नहीं दिया है। वहीं सलमान 10 दिसंबर को रियाद में द बैंग टूर में शामिल हो रहे हैं। जब अर्पिता से शादी के इनविटेशन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ इनकार करते हुए कहा, हमें शादी के लिए अब तक कोई इनविटेशन नहीं मिला है। नंबर 5, जया बच्चन करण जौहर की अपकमिंग फिल्म में रणवीर सिंह और आलिया भट्ट स्टारर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में नजर आएंगी। इस फिल्म में जया ने रणवीर सिंह की दादी की भूमिका प्ले की है। प्रोजेक्ट से जुड़े एक सोर्स का कहना है, जया जी फिल्म में हलवाई का किरदार निभाते हुए नजर आएंगी। वो एक बेबाक महिला है जिसे खुलकर हंसना अच्छा लगता है। ये उनकी अब तक की सबसे मजेदार भूमिका है। वो करण जौहर से ऐसा किरदार देने के लिए खुश है जिसे हमेशा सीरियस दिखने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का डायरेक्शन करण कर रहे हैं। धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनी इस फिल्म में रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, जया बच्चन, शबाना आजमी और धर्मेंद्र जैसे स्टार्स हैं। ये फिल्म 10 फरवरी 2023 को थिएटर्स में रिलीज होगी। नंबर 6, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म ब्रह्मास्त्र मच अवेटेड फिल्मों में से एक है। साल 2018 में शुरू हुई करण जौहर के प्रोडक्शन की ब्रह्मास्त्र फाइनली अब बनकर तैयार है, लेकिन मेकर्स ने ब्रह्मास्त्र की रिलीज डेट अनाउंस करने से पहले फिल्म के बिहाइंड द सीन्स की कुछ पिक्चर्स सोशल मीडिया पर पोस्ट कर फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ा दी है। भारी VFX और कोरोना महामारी की मार झेल चुकी अयान मुखर्जी की फिल्म ब्रह्मास्त्र में रणवीर और आलिया के अलावा अमिताभ बच्चन, नागार्जुन, मौनी रॉय जैसे स्टार्स हैं। इसके अलावा फिल्म में शाहरुख खान भी एक स्पेशल कैमियो करते दिखेंगे। नंबर 7, एक्ट्रेस कटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी की खबरों से पूरा इंटरनेट हिला हुआ है। भले ही इसे लेकर दोनों की ओर से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है, लेकिन खबरें उनकी शादी में आने वाले मेहमानों की लिस्ट से लेकर सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी सामने आ चुकी हैं। दोनों 7-9 दिसंबर को राजस्थान के सिक्स सेंस फोर्ट में शादी करने जा रहे हैं, लेकिन अब खबर है कि दोनों ने अपनी शादी की तस्वीरें और फोटोज के राइट्स एक नामी मैगजीन को बेच दिए हैं और इसके लिए उन्हें मोटी रकम दी गई है। इस कपल से जुड़ी एक करीबी सोर्स ने बताया है कि कटरीना और विक्की की शादी की पिक्चर्स के राइट्स एक इंटरनेशनल मैगजीन के भारतीय संस्करण को बेचे गए हैं। इसके लिए कपल को अच्छी खासी रकम मिली है। नंबर 8, भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार सलमान खान पर बनने जा रही डॉक्यूमेंट्री सलमान खान बियॉन्ड द स्टार लंबे वक्त से चर्चा में है। अब रिपोर्ट्स की माने तो डॉक्यूमेंट्री में सलमान के स्टार बनने तक की यात्रा, उनके विवाद और जीवन से जुड़े कई पहलू शामिल होंगे। फिल्म में नरेशन का काम सलमान खान के दोस्त, परिवार और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग ही करेंगे। नंबर 9, एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने बुधवार को मुंबई में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ एक इंटरेक्शन प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के अंधाधुंध तरीके से देशद्रोह कानून और UAPA का इस्तेमाल करने पर उनसे सवाल किया, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। स्वरा ने ममता से कहा, एक राज्य है जो UAPA और देशद्रोह के आरोपों को भगवान से प्रसाद की तरह बांट रहा है। आर्टिस्ट को आज कहानी को कहने के लिए बहुत विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते कई आर्टिस्ट का करियर जोखिम में है और उनको घर चलाना मुश्किल हो रहा है। नंबर 10, पराग अग्रवाल ट्विटर के CEO बन गए हैं। उन्होंने जैक डॉर्सी को रिप्लेस कर दिया है। ये देश के लिए बेहद सम्मान की बात है, लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर उनके और
बॉलीवुड सिंगर श्रेया घोषाल के बीच सालों पुरानी दोस्ती की चैट्स वायरल हुई हैं। लोग श्रेया और पराग के बीच कनेक्शन बताकर दोनों को ट्रेंड कर रहे हैं। इन्हीं पर श्रेया का रिएक्शन आया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, अरे यार तुम लोग कितना बचपन का ट्वीट्स निकाल रहे हो। ट्विटर अभी लॉन्च हुआ है, 10 साल पहले हम बच्चे थे। दोस्त एक दूसरे को ट्वीट नहीं करते क्या? क्या टाइम पास चल रहा है ये? आपको बता दें कि पराग के CEO बनते ही श्रेया ने उन्हें ट्विटर पर बधाई दी थी, जिसमें लिखा था, बधाई हो पराग, तुम पर गर्व है, हमारे लिए बड़ा दिन है, इस खबर का जश्न मना रहे हैं। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यू, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाए।